पढ़ेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का टॉपिक मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए हम सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि मैटर आखिरकार होता क्या है। तो एनीथिंग डेट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ अ मास इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जाम्पल चेयर, बेड, रिवर, माउंटेन, डॉग, ट्री, बिल्डिंग एक्सेट्रा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी चीज़ अगर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, सपोज़ मेरे पास ये एक चाय का कप है, ठीक है, इसमें चाय रखी है, तो ये भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इस और इसका भी एक कुछ मास है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, मैटर होगा। उसी तरह एक चेयर, बेड, रिवर, माउंटेन, हर एक चीज़ जो हम आसपास हमारे आसपास देखते हैं, सब कुछ क्या है, मैटर है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम पढ़ते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ विच द मैटर इज कम्प्राइज ऑफ इन्फ्लुएंस इट्स स्टेट एंड प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो जिस पार्टिकल से वह बना होता है मैटर, उसी से उसकी प्रॉपर्टीज़ पता लगती हैं और उसका स्टेट भी पता लगता है। तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसिस बिटवीन दैम। तो जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसिस होता है, ठीक है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सोलबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन अदर सब्सटेंसेज। फॉर एग्जाम्पल ऑन डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर देयर इज नो राइज इन वाटर लेवल बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ शुगर गेट इनटू द इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। अब होता क्या है कि पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर के, उनके बीच में होता है स्पेस, ठीक है। तो इसका रिजल्ट हमें कहाँ हम देख सकते हैं या कैसे इसको वेरीफाई कर सकते हैं, तो इसको कुछ इस तरह समझते हैं कि जब कभी हम अगर एक ग्लास के अंदर पानी लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं शुगर डाल दूँगा, इसमें मैंने क्या डाला, इसमें मैंने शुगर डाल दी, तो क्या होगा, शुगर क्या होगा, इस पानी में डिसॉल्व हो जाएगी। कैसे होती है कि इसके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में स्पेस होता है, तो शुगर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो इन स्पेसिस के बीच में भर जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो शुगर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो इन स्पेसिस के बीच में यहाँ पे ऐसे 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 करके भर जाते हैं, ठीक है, शुगर के पार्टिकल्स। तो इस तरह क्या होता है, शुगर पानी के अंदर हो जाती है डिसॉल्व। अब सेकेंड पार्ट इसका, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर शो कंटिन्यूस रैंडम मूवमेंट्स ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी दे पॉजेस। अ राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मेकिंग दे मूव मोर विगरसली। अब मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते ही रहते हैं, ठीक है, हमेशा मोशन में होते हैं। अब जितना तेज़ी से वहाँ एक पार्टिकल मूव कर रहा होगा उतनी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर इतना कोई चेयर है या फिर कोई मैटर का पार्ट कोई है, तो अगर वो एक रेस्ट पे मुझे रखा हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि उसके पार्टिकल्स अंदर मूव ना कर रहे हो, वो वहाँ मूव कर रहे होते, लेकिन वो बहुत इतनी धीमी गति से मूव कर रहे होते कि उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, उसको रेस्ट पे ही मानते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर शो कंटिन्यूम रैंडम मूवमेंट्स ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दे पॉजेस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा क्यों करते हैं, क्यों मूव करते हैं, वो इसलिए मूव करते हैं क्योंकि हर मैटर के पार्टिकल के पास क्या होता है, खुद की एक काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। अब क्या, राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मेकिंग दैम मूव मोर विगरसली। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, तो इस वजह से वो और विगरसली मूव करता है, ठीक है, और तेज़ी से मूव करना शुरू कर देता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इन एवरी सब्सटेंस देयर इज एन इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स। टू ब्रेक अ सब्सटेंस वी नीड टू ओवरकम दिस फोर्स। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स डिफर्स फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली चीज़ तो हमने ये पढ़ी कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वापस में दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो मुझे पूरा एक ऑब्जेक्ट जैसा क्यों दिखाई देगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो तो पूरा बिखर ही जाएगा, ठीक है। और किसी सब्सटेंस को अगर हमें तोड़ना होता तो हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटाना पड़ता है, ठीक है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो पार्टिकल टू पार्टिकल या मैटर टू मैटर वेरी करता रहता है, ठीक है। तो हम आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर पे। हम देख सकते हैं कितने सारे स्टेट में मैटर मिलता है, ठीक है, लिक्विड, वाटर, प्लाज्मा, और भी स्टेट होते हैं, ठीक है, टोटल गैस। अब मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेज एंड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स।
ठीक है, किस तरह से मैटर के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है और उनके बीच में फोर्सेस कितना है, इसके बेस पे हम क्या करेंगे, उनको क्लासिफाई करते हैं कैसे, सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में। ठीक है, दीज थ्री फॉर्म ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल बाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, आइस कैन बी कन्वर्टेड इन फ्रॉम सॉलिड टू अ लिक्विड बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब ये जो तीनों स्टेट होते हैं, ठीक है, ये आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये इससे कनेक्टेड होता है, ये इससे कनेक्टेड होता है, ठीक है, ये आपस में तीनों से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट, अगर मेरे पास कोई सॉलिड चीज़ है, मुझे उसको लिक्विड बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको हीट करूँगा ताकि वो पिघल जाए, तो लिक्विड में आ गया, और ज़्यादा हीट करूँगा तो उसकी गैस फॉर्म में वो आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। और कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं हम इनको, या तो इंक्रीज़ करा जाए या डिक्रीज़ किया जाए प्रेशर को और टेम्परेचर को। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाना घटाने और प्रेशर बढ़ाने घटाने से हम उनके स्टेट को बदल सकते हैं। इसका एक एग्जांपल ये भी है कि आइस कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू अ लिक्विड, कि जो आइस होती है बर्फ, उसको मैं सॉलिड से क्या करता हूँ, लिक्विड में ला सकता हूँ, कैसे करके, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा के। अब आता है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपने स्टेट चेंज कर सकता है, तो हाँ वो अपने स्टेट चेंज कर सकता है। मैं अभी पढ़ा, क्योंकि उसके तीन स्टेट होते हैं अलग अलग, ठीक है, मोस्टली बाकी दो स्टेट और भी होते हैं, एक प्लाज्मा होता है और एक स्टेट और भी होता है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर क्या होगा, ये हम पढ़ेंगे। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ द मैटर इंक्रीजेस एंड दे बिगिन टू वाइब्रेट विद अ हायर एनर्जी। अब होता क्या है, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, वो वाइब्रेट करना शुरू कर जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिक्विड है यहाँ पे, ठीक है, अब अगर मैं इसको टेम्परेचर बढ़ाऊँगा तो इसमें इनके पार्टिकल्स के बीच में और ज़्यादा ऐसा ऐसा वाइब्रेशन होने लगा, और वाइब्रेट करेंगे पार्टिकल्स यहाँ पे। ठीक है, ये पार्टिकल्स यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, ये और वाइब्रेट करेंगे, वे वाइब्रेट करेंगे तो इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी और ये आपस में दूर दूर जाने लगेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल रिड्यूसेस एंड द पार्टिकल गेट रेस्ट फ्रॉम देयर पोजीशन एंड बिगिन टू फ्री मूव फ्रीली। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, तो इंटर पार्टिकल का जो बीच में फोर्सेस था, पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस था, वो टूटने लगेगा धीरे धीरे, और ये पार्टिकल दूर होते जाएंगे, और ये लिक्विड जो है वो कहीं बदल जाएगा गैस में, और यही केस सॉलिड के साथ होगा, सॉलिड में और कम्पैक्टली ये पैक्ड रहते हैं। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थोड़े दूर जाएंगे तो लिक्विड में बन जाएगा, और जब लिक्विड को भी अगर मैंने हीट कर दिया तो वो गैस में बन जाएगा। एज अ रिजल्ट द स्टेट ऑफ मैटर बिगेंस टू चेंज, सॉलिड अंडरगो अ फेज चेंज टू फॉर्म लिक्विड, सिमिलरली लिक्विड अंडरगो अ फेज चेंज टू फॉर्म गैसेस। अब हम आते हैं एवोपरेशन पे, द फेनोमेना बाय विच मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड स्टेट अंडरगो अ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन टू द गैसेस फेज एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवोपरेशन। तो एवोपरेशन क्या होता है, एक फिनोमेना होता है, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिक्विड के अंदर, वो क्या करते हैं, वो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन करते हैं, किस फेज के अंदर, यानी गैस फेज में वो आ जाते हैं। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जो मॉलिक्यूल्स हैं एक ट्रांजिशन किया और गैस फेज में आ गए। पहले किस फेज में था, लिक्विड फेज में थे यहाँ पे, अब यहाँ पे किस फेज में आ गए, गैस फेज में आ गए। ठीक है, कोई भी टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, लेकिन ये टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कंडीशन की ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एवोपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रेजुअल ड्राइंग ऑफ डैम्प क्लॉथ इज कॉज्ड बाय द एवोपरेशन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। यानी कि जैसे अगर हम कपड़े सुखाने डालते हैं बाहर, तो वो सूखते क्यों हैं, उनका पानी उबलता तो है नहीं कपड़ों के अंदर, पानी जमा होता है, वो पानी एवोपरेट हो जाता है धूप में। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपरेशन, इन फैक्टर की वजह से एवोपरेशन अफेक्ट करता है टेम्परेचर, सर्फेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। तो हम पढ़ते हैं बाय वन ठीक करके, ठीक है, द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एवोपरेशन का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी ज़्यादा धूप होगी तो ज़्यादा जल्दी कपड़े सूखेंगे, इसका मतलब ये भी होगा। ठीक है, अगर मैं कपड़ों का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ तो, ठीक है, अब क्या सरफेस एरिया की अगर ज़्यादा बड़ा मेरे पास कोई चीज़ है, ठीक है, तो उस पर ज़्यादा जल्दी एवोपरेशन होगा। ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो एवोपरेशन का रेट क्या होगा, धीमा हो जाएगा।
अब विंड स्पीड, अगर जल्दी जल्दी हवा चल रही होगी तो जल्दी कपड़ा सूखेगा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, द रेट ऑफ वेपरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। आते हैं डिफ्यूज़न के ऊपर कि डिफ्यूज़न क्या होता है। तो व्हेन पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर द फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्यूज़न, फॉर एग्जांपल स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जब वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे का इंटरमिक्स होते हैं, ठीक है, बाय अपने साथ ही विथ ईच अदर, ठीक है, तो इस फिनोमेने को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। यानी कि अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू देखूँ कि सपोज़ यहाँ पे इंक के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अभी क्या हुआ, आपस में इंटरमिक्स होते गए, इंटरमिक्स कैसे हुआ कि इस स्टेट में पहुँच गए, तो ये थोड़े दूर दूर हो गए, दूर दूर हो गए, ठीक है, तो ये क्या हो गए, डिफ्यूज़ हो गए पार्टिकल्स। ड्यूरिंग डिफ्यूज़न द पार्टिकल आर ऑक्यूपाइंग द इंटर पार्टिकल स्पेसिस, पार्टिकल क्या करते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेसिस में घुस जाते हैं। यानी कि इसमें क्या हुआ, इस पानी के अंदर जो है यहाँ पे जगह होगी थोड़ी 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 थोड़ी, कहीं कहीं इंटर पार्टिकल स्पेस होगा पानी के अंदर, ठीक है, तो ये जो रेड कलर के पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं वो उस के बीच में, इंटर पार्टिकल्स के बीच बीच में जो स्पेस खाली होता है वह उसमें घुस जाते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद इन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी होगी वो पार्टिकल्स की बढ़ेगी, ठीक है, उससे क्या होगा, ये जल्दी जल्दी क्या होगा, जल्दी जल्दी मूव करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी मूव करेंगे उससे, तो उससे क्या होगा, डिफ्यूज़न क्या होगा, जल्दी होगा, द रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होगा, बढ़ेगा। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कि बॉइलिंग पॉइंट आखिरकार होता क्या है। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है या वो टेम्परेचर होता है एक लिक्विड का, जिस टेम्परेचर के ऊपर ये जो एटमोसफेयर से इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है पानी के ऊपर, ठीक है, या लिक्विड के ऊपर, और ये जो बबल्स हैं ये प्रेशर लगा रहे हैं कहाँ से, इस सरफेस के ऊपर, नीचे से प्रेशर लगा रहे हैं, तो जिस टेम्परेचर के ऊपर ये इक्वल हो जाएगा इस सरफेस पे, उसी पे पानी बॉयल करना स्टार्ट कर देगा, और उसी टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब तो ये होता है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, यानी कि जो प्रेशर लगाया जा रहा है वेपर्स के द्वारा लिक्विड की, इज इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो अपन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डेट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इन टू लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि यहाँ क्या होगा, हीट एनर्जी का लेटेंट हीट क्या होगा, हीट एनर्जी का फॉर्म होगा, ठीक है, यानी कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी किसको, 1 kg एक सॉलिड को, 1 kg ऑफ सॉलिड को क्या करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड के अंदर, कब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और कब उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। यानी कि अगर मेरे पास कोई पार्टिकल है, या सॉरी मेरे पास कोई मैटर है, ठीक है, अगर वो सॉलिड स्टेट में है, मैंने उसको हीट किया, हीट किया मेटल को, अब वो पहुंच गया कहां तक, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया। अब इसकी 1 kg हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मुझे इसके जब मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है, ठीक है, मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी पर केजी, ताकि ये 1 kg जो है वो सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए पूरी तरह से, ठीक है। तो ये क्या मेरे पास हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब हम आते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पे। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड इनटू गैस एट इट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या होता है, लिक्विड से वो चेंज होगा काय में, गैस के अंदर, तो कब वो चेंज होता है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पार्ट की, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे, ठीक है, कितनी मुझे हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस लिक्विड को, कि वहाँ लिक्विड जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसके किस पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, कहाँ पे कन्वर्ट हो जाए, गैस के अंदर। तो वही क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ये क्या, ये भी क्या मेजर करते हैं हम पर केजी में, यानी कि 1 kg को कितनी देनी पड़ेगी मुझे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अब हम आते हैं सब्लिमेशन क्या होता है।
द ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम इट्स सॉलिड फेज टू गैसियस फेज विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड फेज और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी कि अगर कोई भी सब्सटेंस मेरे पास है, जब वो डायरेक्टली ये कोई ये सॉलिड है, सॉलिड का में बन गया, डायरेक्ट गैस बन गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, या तो फिर ये जो गैस है वो डायरेक्ट बन जाए सॉलिड, तो भी इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। और आते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, कि प्रेशर के चेंज करने का क्या इफेक्ट होता है मैटर के स्टेट के ऊपर। तो बाय अप्लाइंग प्रेशर द इंटर पार्टिकल स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिक्रीजेस, ठीक है, सीधी सी बात है, अगर कोई गैस के ऊपर प्रेशर लगाऊंगा या तो क्या होगा, उसके पार्टिकल जो बीच में स्पेस है वो क्या होता है, कम होता चला जाएगा। तो धीरे धीरे हम पिक्चर में देख सकते हैं कि प्रेशर अप्लाई में करता गया, वेट लगाता गया, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन कन्वर्ट अ सॉलिड टू लिक्विड एंड अ लिक्विड टू अ गैस। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि इफेक्ट क्या होता है, किसका, चेंज ऑफ प्रेशर का। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर, तो वो क्या होता है, फ्लो चार्ट ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, कि अभी मैंने पूरा फ्लो चार्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया है कि किस तरह से गैस, लिक्विड और सॉलिड आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। अगर कोई सॉलिड को मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँगा तो क्या बनना चाहेगा, गैस, और उसका गैस का टेम्परेचर कम करूँगा तो वो सॉलिड बनना चाहेगा। ठीक है, अगर बहुत धीमा कर दूँगा तो अब क्या होता है, सबसे पहले सॉलिड मेल्टिंग के द्वारा बनता है लिक्विड, ठीक है, और लिक्विड एवोपरेशन के द्वारा बनता है गैस। उसी प्रकार का पास गैस है तो गैस को पहले मुझे कंडेंसेट करना पड़ेगा। कंडेंसेट करने का मतलब क्या होता है, उसका टेम्परेचर कम करना और प्रेशर बढ़ा देना, कंडेंसेट कर दिया। ठीक है, अब लिक्विड जो है मेरे पास आ गया, तो मुझे लिक्विड से सॉलिड बना, तो मुझे फ्रीजिंग करनी पड़ेगी। यानी कि अगर मेरे पास पानी है तो मुझे उसका बर्फ जमाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ेगा। ठीक है, हम देखते हैं, एक आध प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। अ रबर बैंड कैन चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, विल यू क्लासीफाई इट एज अ सॉलिड और नॉट। तो रबर बैंड का शेप चेंज तो हो रहा है मान लिया, ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको रेस्ट पे रख दूँ तो उसके पार्टिकल्स जो है ज़्यादा ज़्यादा मूव तो नहीं करेंगे, ठीक है, रहेगा तो वहीं पर ही वो है कि नहीं, और वो बह भी नहीं सकता, उसमें लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ भी नहीं, ना गैस की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो क्या हुआ, उसको हम सॉलिड ही कहेंगे। ठीक है, तो इसका तो हमें पता लग गया, वी विल क्लासीफाई इट एज अ सॉलिड। अब अगला आता है स्पंज तो कंप्रेसेबल इज अ सॉलिड। स्पंज जो कंप्रेसेबल तो होता है, क्या वो सॉलिड है, तो हाँ वो सॉलिड है, क्योंकि उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं लिक्विड की नहीं मिल रही हैं हमें, ना उसमें हमें गैस की प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, यानी कि इसलिए क्या है, वो सॉलिड है। अब गैस कम्प्लीटली फिल द वेसल इन विच दे आर कीप्ड, गिव रीजंस। ऐसा क्यों होता है कि जिस वेसल के अंदर या किस बर्तन में अगर मैं किसी गैस को रखूँ तो पूरी तरह गैस उसकी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है, ऐसा क्यों होता है, वैसा इसलिए होता है कि गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, तो वो और उनमें बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। तो अगर मैं इसको कोई डब्बे में बंद कर दूंगा तो ये पार्टिकल आपस में दूर धीरे धीरे फैलते इस तरह पूरा डब्बा ऑक्यूपाई कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, ठीक है, और उनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। अंडर आउट कंडीशन गैसेस कैन बी लिक्विफाइड इन विच फॉर्म LPG इज फिल्ड इन अ गैस सिलेंडर। तो किस कंडीशन के अंदर गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है, तो गैस को लिक्विफाई किया, अगर मुझे इसको लिक्विड बनाना है गैस को, तो कैसे बनाऊंगा, मुझे इसका टेम्परेचर जो है इसका टेम्परेचर मुझे घटाना पड़ेगा और प्रेशर मुझे इसका बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब LPG गैस सिलेंडर में किस फॉर्म में फिल की जाती है, तो वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, यानी कि उसको लिक्विड फॉर्म में फिल किया जाता है गैस सिलेंडर के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटीज कम्पेयर टू सॉलिड बट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। तो ये क्वेश्चन है कि लिक्विड जो होता है नॉर्मली उसकी डेंसिटी सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है, ठीक है, लेकिन तब भी क्या होता है, जो आइस होती है वो पानी पे तैरती है। ठीक है, अगर मैं एक बकेट लूँ यहाँ पे और उसमें यहाँ पे पानी भर दूँ, उस पर एक आइस का पीस रख दूँ, ठीक है, तो ये फ्लोट करेगा, ऐसा क्यों होगा, जबकि जनरली क्या होता है केसेस के अंदर कि इस लिक्विड की डेंसिटी कम होती है और इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यानी कि इसको तो ऊपर तैरना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि आइस इस पर तैरती है, तो आइस इसलिए इस पर तैरती है क्योंकि
इसकी जो रिक्वायर्ड डेंसिटी होती है आइस की, वो कुछ इतनी होती है कि वो इसके ऊपर फ्लोट कर पाए, किसके ऊपर, वाटर के ऊपर फ्लोट कर पाए, ठीक है। थैंक यू।